बच्चे गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की थी, मैंने आपको बताया थी टोटल चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करनी है। तो दो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक हमने की थी रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, दूसरी हमने की थी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमने आज करनी है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, क्या होता है, यानी जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। जहाँ दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर को किसी सब्सटेंस की सॉलिड फेज और लिक्विड फेज क्या करें, को एग्जिस्ट करें, एक साथ एग्जिस्ट करती हो, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस लिक्विड, जल्दी हम कह सकते हैं फ्रीजिंग लिक्विड जो है वो फ्रीज करता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, दैट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस ऑफ ए सब्सटेंस को एग्जिस्ट, जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब बात करेंगे हम जहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ए सॉल्यूशन फ्रीजेस व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन जो है वो कब फ्रीज करेगा, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, जो प्योर आपने सॉलिड सॉल्वेंट होगा उसमें जो सॉल्वेंट डाला हुआ है जब वो सॉलिड स्टेट में होगा उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, तो उस समय सॉल्यूशन क्या करेगा, फ्रीज करेगा। यही लिखा हुआ है, सॉल्यूशन फ्रीजेस व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। अब हमें पता है फ्रॉम द रॉयल्स लॉ हम जानते हैं द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वो क्या करता है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है। जो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि जब हम किसी सॉल्वेंट में हम क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो इस वो उसके वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, लो कर देता है। हेंस एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम ये कह रहे हैं कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, वो लो हो जाएगा। अब कितना लो होगा फ्रीजिंग पॉइंट, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी डिक्रीज आएगी, उस डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए हम पानी की बात करें तो वाटर का कुछ ना कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस की कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा पानी का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब जब हमने पानी में क्या डाल दिया, साल्ट डाला, साल्ट हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब पानी का जो पहले जो वेपर प्रेशर था अब क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे हमने ये कर्व ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास सॉल्वेंट का कर्व है, ए से लेके बी तक ये जो कर्व है, इस तरफ हमने टेम्परेचर प्लॉट किया हुआ है, इस तरफ हमने वेपर प्रेशर प्लॉट किया हुआ है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो आप जानते ही हैं कि वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ए से अगर हम स्टार्ट करें, कर्व ए बी जो है ये बता रही है हमें सॉल्वेंट किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। जैसे जैसे टेम्परेचर लो करते जाएंगे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। और जब हम पॉइंट बी पे पहुंचते हैं तो यहाँ से लिक्विड स्टेट जो है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, सॉलिड स्टेट में शुरू हो जाएगा। जो आपका सॉल्वेंट है बी पॉइंट के ऊपर दोनों फेज में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फेज में भी और सॉलिड फेज में भी। तो बीसी कर्व जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए इन सॉलिड फेज। तो बी पॉइंट के ऊपर लिक्विड फेज का और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर सेम है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए टी एफ, ये टेम्परेचर टी एफ जीरो जो है ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, बन गया सॉल्यूशन। तो इसी टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। मान लीजिए वो वेपर प्रेशर कितना हो गया, डी हो गया, पहले यहाँ पे था ए पॉइंट पे था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लो हो गया, तो कहाँ पे पहुंच गया हम, डी के ऊपर। अब अगेन हमने क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, क्योंकि ये जहाँ पे सॉल्यूशन किस में होगा, अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में है तो
तो सोल्यूशन भी आपका लिक्विड स्टेट में होगा। अब हमने टेम्परेचर लो करते जाना, वेपर प्रेशर लो होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। जब हम ई पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसके आगे देखिए जो आपका सॉल्वेंट है वो किसमें स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो सोल्यूशन भी आपका किस स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में चला जाएगा। तो ई पॉइंट से अगर हम डी ई कर्व देखें तो ये सोल्यूशन की कर्व है किस स्टेट में, लिक्विड फेज में, और सी ई जो कर्व है ये हम क्या होगी, सोल्यूशन की कर्व होगी किस स्टेट में, सॉलिड फेज में होगी। तो ई के ऊपर दोनों फेजेस सोल्यूशन की एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड फेज भी और सॉलिड फेज भी एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर लेते हैं टी एफ। तो ये जो टेम्परेचर है टी एफ ये क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और टी एफ जीरो है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और ये है सोल्यूशन का, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम हो गया, कितना कम हो गया, दिस माइनस दिस। तो जो डिफरेंस आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज नोन एज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी एफ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ से, एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इन द फिगर कर्व ए बी रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट एंड बी सी रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। तो एट पॉइंट वी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट, तो एट पॉइंट वी क्या होगा, दोनों जो है जो सॉल्वेंट की लिक्विड और सॉलिड फेज क्या करेगी, को एग्जिस्ट करेगी। एंड द टेम्परेचर एंड द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू वेपर प्रेशर बी इज टी एफ जीरो, तो ये जो टी एफ जीरो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हेंस टी एफ जीरो इज द फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सिमिलरली द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई वेयर लिक्विड सोल्यूशन एंड सॉलिड सोल्यूशन को एग्जिस्ट इज टी एफ एंड रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर आएगा, वो आएगा डेल्टा टी एफ, और ये किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जब हम किसी सॉल्वेंट में क्या ऐड कर देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है, कितना लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हमने आगे वाली स्लाइड में इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपको डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि जितना ये लो होगा ये नीचे जाएगा उतना ही, तो उतना फ्रीजिंग पॉइंट और लो हो जाएगा। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का बेसिकली सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि वेपर प्रेशर के बीच में कितना गैप है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में कितना डिफरेंस है, जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था। तो हम जहां से लिखेंगे डेल्टा टी एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और रॉड्स लॉ कहता है डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है ये भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो ग्राफ से हमने आपको बताया कि जो डेल्टा टी एफ है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जो वेपर प्रेशर का गैप है वो कितना है। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, इस इक्वेशन इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। हमें रॉड्स लॉ से पता है कि डेल्टा पी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये आ गया डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी इसके प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी एक्स बी के प्रोपोर्शनल, इट मींस डेल्टा टी एफ और एक्स बी भी आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और आज हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल के टास्क सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, के इंटू एक्स बी, वेयर के क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एक्स बी तो आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, डेल्टा टी एफ क्या है वे भी आप जानते हैं, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये किसके बराबर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इक्वेशन थर्ड से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि हम कह सकते हैं किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करे, जितनी ज्यादा अमाउंट होगी सॉल्यूट की उतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इक्वेशन थर्ड यही बता रही है
कि जो हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जब कोई भी हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब हम ये प्रूव करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, उसकी एप्लीकेशन करनी होती है। एप्लीकेशन मैंने बताया था यूटिलिटी क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, जो हम आगे करेंगे कि कैसे निकालेंगे। जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया है, सेम इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ तक कि थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे ऑलमोस्ट कैलकुलेशन जो है जैसे आपने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में की है वैसे ही इसमें आएगी। फर्क क्या रहेगा, वहाँ पे डेल्टा टीबी था, यहाँ पे क्या है, डेल्टा टीएफ है। वहाँ पे हमने आगे जाके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लगाया था केबी, यहाँ पे हमने मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट लगाना है केएफ। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। एप्लीकेशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जो मैं पहले बताया कि जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सबकी आपने एप्लीकेशन क्या लिखनी है, कि क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हमें पता चला कि डेल्टा टी एफ किस बराबर होता है, के एक्स बी। बट आपको पता है एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो, एक्स बी की जगह एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। बट अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है सॉल्वेंट के बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मुकाबले, तो एन ए विल बी वेरी मच ग्रेटर देन एन बी। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में एन बी को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एन ए प्लस एन बी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आ जाएगा, एन ए के बराबर आ जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा टी एफ किसके बराबर आएगा, के इंटू एन बी अपॉन एन ए। अब एन ए आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, यहाँ पे ए किसके लिए रखा हुआ हमने, सॉल्वेंट के लिए रखा हुआ है। तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर आएगा, के इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ फिजिकल टू के इंटू एन बी, ये ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब के भी कांस्टेंट है, एम ए भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसको हमने अनदर कांस्टेंट ले लिया के एफ, बोथ के एंड एम ए आर कांस्टेंट, देयर प्रोडक्ट विल आल्सो बी कांस्टेंट एंड से के इंटू एम ए किस बराबर है के एफ। वहां पे अभी हमने यही लिखा था के इंटू एम ए, वहां पे हमने लिखा था के बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के एफ, एफ आर फ्रीजिंग के लिए। बट हमें पता है एन बी अपॉन डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट के जी में हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर के जी ऑफ सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इज नोन एज मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, जब डब्ल्यू किस में हो, किलोग्राम में हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, एम क्या है, मोलैलिटी है। तो डेल्टा टी एफ किस तरह आएगा, के एफ इंटू एम आ जाएगा। वेयर के एफ क्या है, इसको हम बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में इसको क्या बोलते हैं, के बी होता था, के बी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या आएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो जब मोलैलिटी क्या होगी, वन होगी, अगर मोलैलिटी कितनी है, वन है, तो अगर मोलैलिटी वन आएगी तो देन डेल्टा टी एफ किस बराबर आएगा, के एफ के बराबर आएगा। तो डेल्टा टी एफ क्या, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की कब फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो रहा है, कब, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है, वन, उसको वो किस बराबर आ रहा है, के एफ के बराबर। तो यहाँ से डेफिनेशन निकल जाएगी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की, सॉरी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की। तो हैंस मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या आएगा, मे बी डिफाइंड एज, इसके बराबर है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, कब, व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वन, इज वन, जहां कह सकते हैं द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये आएगा, इट इज अ डिप्रेशन इन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग यूनिट मोलैलिटी। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की टर्म में आप डिफाइन करो किसको, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेसिकली क्या आएगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ऑफ सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी कितनी हो, वन हो। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर, अगर हम इस इक्वेशन को क्या मान लें, इक्वेशन फोर मान लें हमने यहाँ पे जो पीछे की थी हमने, तो इक्वेशन फोर से हमें क्या मिला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो एम क्या है, एम का फॉर्मा लिख लीजिए, एम आएगा मोलैलिटी के हिसाब से एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड, जहाँ थाउजेंड क्यों लिखा है, अगर डब्ल्यू आपका ग्राम में हो तो फिर हम किस में लेते हैं, थाउजेंड में लेते हैं।
when w is in gram, तो डेल्टा टी एफ क्या आएगा, के एफ एम की जगह आप लिखोगे एन बी अपॉन डब्ल्यू इन टू थाउजेंड। इस इक्वेशन से हम आगे निकालेंगे मॉलिक्यूल मास कैसे निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो यहाँ पे एन बी की जगह आप क्या लगा लीजिए, डेल्टा टी एफ आएगा के एफ इन टू एन बी, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, कैसे निकालते हैं, जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी है वेट ऑफ सॉल्यूट और एम बी क्या है मॉलिक्यूल वेट ऑफ सॉल्यूट इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है एम बी मॉलिक्यूल मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसको इधर ले जाइए तो एम बी किस तरह आएगा, जाएगा के एफ इन टू डब्ल्यू बी इन टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इन टू डब्ल्यू ए। तो जी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फिफ्थ इक्वेशन, इसको मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन। तो जैसे हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किया था ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में देख लीजिए पैरामीटर्स कितने हैं हमारे पास, हमें वेरिएबल कह सकते हैं यहाँ पे के एफ डब्ल्यू बी डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए है। अगर हमें के एफ की वैल्यू पता चल जाए, डब्ल्यू बी की वैल्यू पता हो, डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता हो, डब्ल्यू ए की वैल्यू पता हो, तो हम निकाल लेंगे एम बी किस तरह होगा। देखिए आपने सॉल्यूट डाला हुआ है तो उसको मेजर करके डालिए, डब्ल्यू बी ग्राम आपको पता चल जाएगा। अब आपने एक सॉल्वेंट लिया है उसको भी मेजर कर लीजिए, कितना सॉल्वेंट लिया वो मान लीजिए डब्ल्यू ए ग्राम, ये दोनों आपको पता चल जाएंगे जी मेजर करके डालिए। डेल्टा टी एफ आपको कैसे पता चलेगा, पहले आप क्या कीजिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, उसके बाद उसमें आपने जब सॉल्यूट डाला फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए, तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, ये आ जाएगा आपको डेल्टा टी एफ। इसी तरह से जब आप मोलैरिटी कितनी रखोगे, वन रखोगे तो के एफ निकल जाएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा कि के एफ की वैल्यू दी होगी आपको, तो आप डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए डेल्टा टी एफ दिया होगा तो आप क्या कर लेंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। कई बार डेल्टा टी एफ नहीं दिया होता आपको, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट दिया होता है, तो वहां से आप डिफरेंस निकाल के डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं। इन सब की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फाइव में तो आपको क्या मिलेगा, एम बी मिलेगा। तो इसके बेसिस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशनल फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हमने यूज करते हुए क्या निकाला कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात और आपने गौर करनी है, जितने भी आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हो एम बी, उसमें देखिए एम बी किस तरह आप ला रहे हैं, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे नीचे आ रही है डेल्टा टी एफ। अगर आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, डेल्टा टी बी आ रहा होगा। इसी तरह से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में भी जहाँ पे आ रहा होगा पी जीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी जीरो ए, वो पी जीरो ए ऊपर चला गया होगा। पर तो आपने नोट करना है इस चीज़ को, क्योंकि आगे हमने इसको यूज करना है कि जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके मास निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, वो बेसिकली किस कहाँ कैसे आ रहा है, उसमें जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो अगर आप इक्वल के बाहर जाओ तो कहाँ पे आ रही है, डिनोमिनेटर में। इसका मीनिंग क्या होता है कि एम बी जो है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमने आगे जाके कंसेप्ट यूज करना है कि जो मॉलिक्यूल मास हम निकाल रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, वो बेसिकली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो ये था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और थी इसकी एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक ही बची है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें थोड़ा वो लेंथी है थोड़ा सा, उसमें आपको पहले ऑस्मोसिस पढ़नी है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, फिर उसमें एक मेथड है हार्टलैंड वर्कले मेथड है कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते कैसे हैं, फिर हमें प्रूव करना है कि वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और अल्टीमेटली हमने फिर उसको यूज करते हुए निकालना है मॉलिक्यूलर मास, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इसको देखिए बच्चे, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो वीडियो को अच्छे से देखिए, अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे टेलीफोनिकली भी कॉल करके पूछ सकते हैं, जहाँ व्हाट्सएप के साथ हो मेरे साथ हो ही आप, वहाँ पे भी आप डिस्कस कर सकते हो, टीचमेंट पे भी और वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू। कल मैं आपको नया वीडियो जो ऑस्मोटिक प्रेशर उसके ऊपर डालूंगा, तब तक के लिए इंजॉय कीजिए, हैव अ नाइस डे।